हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ है मेरे बचपन के दिन। इसमें मैं आपको महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे गए इस पाठ के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले बात बता देती हूँ कि उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और महादेवी वर्मा जी का जन्म जो था एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इस पाठ में उनके बचपन की अच्छी अच्छी प्रमुख घटनाओं का बहुत ही मनोरंजक तरीके से उन्होंने चित्रण किया है, और वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि उनके खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इसलिए 200 वर्षों के बाद उनका परिवार में जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का। उनके जो दादाजी थे उन्होंने दुर्गा पूजा करके कन्या को मांगा था, और इसलिए महादेवी जी का बचपन जो था बहुत ही आराम से गुजरा था। उन्होंने कोई कष्ट सहन नहीं करे थे और उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। उनके घर पर ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि उन्हें पढ़ाई जाती थी, किंतु उनकी माता जी ने उन्हें हिंदी पढ़ना सिखाया था। महादेवी ने बचपन में पंचतंत्र और सभी कहानियों का अध्ययन किया था, लेकिन उर्दू में उनका मन नहीं लगता था, और फिर उन्हें मिशन स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मिशन स्कूल की प्रार्थना और वहाँ की जो गतिविधियाँ थी वो उन्हें रास नहीं आई। तब उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की 5वीं कक्षा में एडमिशन दिलवा दिया गया, और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी कवयित्री हैं और हमेशा कविता लिखती रहती हैं। इसके साथ ही अगर मुख्य बात करें तो इस पाठ की ये है कि उनकी माता जी जो थी, महादेवी जी की माता जी भी भक्ति के गीत लिखती थी और गाती भी थी, और कविता लिखने की प्रेरणा इन्होंने अपनी माता जी से प्राप्त की थी, ये प्रश्न आ जाता है। और इन्होंने पहले ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की संगति में इन्होंने कविता लिखना सीख लिया था, और सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि वह उनसे छिप छिप कर कविताएं लिखती हैं, तो इन्होंने इनकी कॉपियां ढूंढ करके कविताओं का पता लगाया और सारे छात्रावास को बता दिया कि किस तरह से ये कविताएं लिखती थी महादेवी वर्मा जी, और दोनों में मित्रता हो जाती है, यानी फ्रेंडशिप हो जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान में और महादेवी वर्मा में। जब और बच्चियां खेला करती थी स्कूल की, तो ये दोनों बैठ करके कविताएं लिखा करती थी, और इस तरह से इनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छप जाती थी। महादेवी जो हैं उनकी कविता लिखने की कला दिन प्रतिदिन निखरती जा रही थी, और वो अब कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने लगी थी। जब वो लिखने लगी थी तो उस समय हिंदी का काफ़ी प्रचार बढ़ गया था, और उस समय के लेखक थे हरिओत जी, श्रीधर जी, पाठक जी, रत्नाकर जैसी, जैसे आप अपनी कक्षा के जो और पाठ हैं उनके लेखक जो हैं, ये सब एक जगह इकट्ठे होते थे, सम्मेलन होते थे, तो वहाँ पर महादेवी जी चली जाती थी और कविताएं जो थी उनको कई उन कविताओं के लिए पुरस्कार भी मिले थे। एक बार उन्होंने पुरस्कार के रूप में एक चांदी का कटोरा जीता था, और आनंद भवन में गांधी जी आए हुए थे, और आनंद भवन में स्वतंत्रता संग्राम के कारण लोग इकट्ठे हुए थे, महादेवी जी भी वहाँ गई थी, तो उन्होंने अपना कटोरा गांधी जी को दिखाया कि मुझे ये इनाम में मिला है। गांधी जी ने उस समय उनकी कविता तो नहीं सुनी, लेकिन वह कटोरा रख लिया, और स्वतंत्रता के लिए उस कटोरे को दे करके महादेवी जी को बहुत खुशी हुई थी। महादेवी वर्मा के जो हॉस्टल था उसमें बहुत अलग अलग स्थानों से छात्राएं आई हुई थी, जिनमें जेबुनिसा नाम की एक मराठी लड़की महादेवी जी की साफ सफाई का ध्यान रखती थी। वह हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं बोलती थी, किंतु वहां रहने वाली उस्तानी जीनत बेगम को मराठी बोलने पर ऐतराज था, लेकिन जेबुन यह कहती थी कि हम तो मराठी ही बोलेंगे। वहाँ अवध से आई हुई कन्याएं अवधी बोलती थी, और कुछ कन्याएं जो थी बुंदेलखंड से आई हुई थी, यानी कुछ गर्ल्स बुंदेलखंड से आई हुई थी तो वो बुंदेली भाषा में बात करती थी, यानी कि महादेवी जी को अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला।
सभी स्टूडेंट्स एक मेज में खाना खाती थी और एक ही प्रार्थना का गायन करते थे, गाना गाते थे, प्रेयर करते थे। कोई किसी प्रकार का भेदभाव या विवाद या सांप्रदायिक भावना नहीं थी, धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। महादेवी वर्मा ने विद्यापीठ में आने पर बेगम साहिबा का किस्सा लिखा। बताया कि जब वह विद्यापीठ में उच्च शिक्षा ग्रहण करने गई हुई थी तो वहाँ पर भी उनके जो बचपन में जो संस्कार दिए गए थे वह बने रहे, यानी उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े। जिस भवन में महादेवी जी रहती थी उसी में जवारा के नवाब भी रहते थे और जो उनकी पत्नी थी बेगम जो थी उन्हें महादेवी वर्मा ताई कहती थी, ताई जी कहा करती थी, और उनके जो बच्चे थे वो महादेवी वर्मा की माँ को चची जान कहा करते थे। दोनों परिवारों में अत्यंत मेलजोल पाया जाता था, सब बच्चों के जन्मदिन भी मिलकर के मनाए जाते थे। बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी नहीं देती थी जब तक महादेवी उन्हें राखी ना बांधे, और इस प्रकार सभी के लिए मुहर्रम पर भी नए वस्त्र बनाए जाते थे। एक बार महादेवी वर्मा के छोटे भाई का जन्मदिन था, यानी जन्म हुआ था, तो बेगम साहिबा ने उनके पिता से कह करके नेग लिया और बच्चे के लिए नए वस्त्र बनवाए। बच्चे का नाम बेगम ने ही मनमोहन रखा था। वही मनमोहन बड़े होकर जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बने थे। इनके घर में अवधी भाषा बोली जाती थी, लेकिन जब घर से बाहर जाते थे तो हिंदी और उर्दू का प्रयोग होता था। शुरू शुरू में भारतवर्ष के वातावरण में जितनी निकटता और स्नेह का भाव था, यदि उतना बात तक बना रहता तो भारतवर्ष की कहानी आज कुछ अलग प्रकार की होती। महादेवी वर्मा उनके परिवार के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार से उनके बाबा ने दुर्गा की प्रार्थना की थी, दुर्गा उनके कुल की देवी थी और जब उनका जन्म हुआ तो परिवार को बड़ी खुशी हुई, इसलिए इनका परिवार जो है परिवार में इनके बहुत इनका सम्मान भी हुआ और सेवाएं भी इन्हें प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा जी के जन्म की कहानी शुरू में ही मैंने आपको बता दी थी और उनकी जो मुख्य मुख्य इसमें घटनाएं हैं वह मैंने आपको बताई हैं। उनके बाबा उन्हें बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे और वे चाहते थे कि महादेवी एक विदुषी बने, यानी विद्वान स्त्री बने, इसलिए वो उन्हें काफ़ी पढ़ाया गया और उन्हें घर पर ही सभी प्रकार की पढ़ाई की सुविधाएँ दी गई। हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो कविताएं लिखती थी और इस प्रकार से अलग अलग कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी। बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन प्रश्न बता देती हूँ जो अगर परीक्षा में आ जाते हैं तो आप उनका आंसर आराम से लिख सकेंगे। लेखिका उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मैं शॉर्ट में आंसर बता रही हूँ, डिटेल में मैंने पाठ में बता दिया है, आप पूरा वीडियो देख करके जान सकते हैं। तो लेखिका की माँ की व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए, वो भी मैंने आपको इसमें बताई हैं। जवारा के नवाब के साथ उनके संबंध कैसे थे परिवार के, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जेबुनिशा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती है। जेबुनिशा के स्थान पर यदि आप होते तो आपसे महादेवी वर्मा क्या अपेक्षा करती, ये प्रश्न भी, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपको मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ का उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य क्या है इसका? उनकी बचपन की घटनाओं का वर्णन किया गया है और समाज का कन्याओं के प्रति दृष्टिकोण है, साथ ही महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में भी ये पाठ में बताता है। प्रश्न है, महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली, इसका भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ कवि सम्मेलन हिंदी के प्रचार प्रसार के आयोजन का लक्ष्य क्या था, या छात्रावास में लेखिका और सुभद्रा कुमारी के साथ मित्रता कैसे हुई, छात्रावास का वातावरण कैसा था, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। और आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए तो मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।